तो जिन जिन लोगों के सामने से फाइल की थी उन पे कोई अभी तक सो ये चीजें फाइल पे ऑन रिकॉर्ड आ गई थी, तो हमने इमीडिएटली मेयर साहब के दिशा निर्देश मुताबिक एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी, एक तो पैरेलल क्रिमिनल इंक्वायरी चल रही है, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, जिसके लिए हमने उनको 15 दिन का टाइम दिया है कंसर्न्ड ऑफिसर को, क्योंकि बीच में ऑफिसर की बदली हो गई, ज्वाइंट कमिश्नर जो पार्किंग में इनको देख रहे थे, तो उनकी रिपोर्ट जो है अगले 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी, और उसमें कंप्लीट जो भी शुरू से लेके अभी तक पिछले 3 साल में हुआ उसका सारा जो है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। एक मैम कुछ दिन पहले कैग ने एडमिनिस्ट्रेटर को एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में ये है कि जो आर्य इंफ्रा 2017 में टेंडर दिया गया था उसमें इन्होंने लीज डीड पे जो स्टैम्प ड्यूटी है वो नहीं ली, 2 फीसदी और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लिया, जिससे 30 लाख का नुकसान हुआ और सिर्फ 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे वो टेंडर अलॉट किया, तो वो उसमें एमसी क्या एक्शन ले रहा है क्या? ये आर्या टोल वाला जो मामला है और ये वाला जो मामला है, ये सब जो अभी नए ऑफिसर ने टेक ओवर किया है उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना के दिया गया है कि ये सारी चीजों का पुष्टि करके देंगे, और अगर किसी भी एम्प्लॉय का या किसी भी अफसर का किसी भी तरह का मैलाफाइड इंटेंशन से रोल नजर आता है तो आप अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में साफ साफ लिखेंगे। मैं आपको भी पूरी इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स नहीं रिवील कर सकता जी, जब तक इसमें अभी और काफी अक्यूज पकड़े जाएंगे तो जैसे ही प्रोग्रेस हो गया तो आपको बताएंगे। ऐसे कैसे हटेगा, हम तो आपको बता रहे हैं इसमें पॉलिटिकल प्रेशर क्या है, जो एक बंदा जिसको डायरेक्टर था उसको हमने अरेस्ट कर लिया, उसके बाद जो अगला बंदा है उसका आपको मैं नाम डिस्क्लोज कर रहा हूँ, उसका अनिल कुमार शर्मा का, जो कुछ पत्रकार बता भी रहे हैं उनको पता था, तो हम लगातार इसमें लगे हुए हैं अरेस्ट करने में। मेरे साथ थोड़ा सा ना इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दो कि क्या मामला आया था आपके संज्ञान में, और उसके बाद फिर पुलिस ने कमिश्नर में मामला पूरा बता दो क्या मामला है। सो ऐसा था कि ये बंदा जो है कुछ रेगुलर पेमेंट्स नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से उसको बार बार टर्मिनेशन का नोटिस दिया गया, उसने कोर्ट में केस भी कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाउस ने, हमारे जनरल हाउस ने ये डिसीजन लिया कि हमने बिल्कुल भी ये कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना है। उसके कैंसिलेशन के तुरंत बाद हमारे पास एक ही हथियार होता है कि उसकी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी हमारे पास होती है, जिससे हमने पैसे रिकवर करने होते हैं। तो उसका 1.5 करोड़ का परफॉर्मेंस बैंक गारंटी एक दिल्ली के बैंक से हमारे पास इशू हुई थी। तो हमने इमीडिएटली जिस दिन ये जनरल हाउस का डिसीजन हुआ कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है और हमने आगे नहीं लेके जाना है, नेक्स्ट डे हमने बैंक को ये चिट्ठी लिख के भेज दी कि आप प्लीज़ ये परफॉर्मेंस बैंक गारंटी हमारे नाम पे इनकैश कर दीजिए, ताकि हम 1.5 करोड़ रुपए जो है अपना डिफॉल्ट जो है उसमें से हम माइनस करके कम से कम उतना अपना नुकसान कम कर सके। उसके बाद पहले बैंक मैनेजर ने हमें वर्बली कम्युनिकेट किया, और उसके बाद लिख के तो हाल में ही उन्होंने हमें बताया है कि जिन लोगों के सिग्नेचर से पुष्टि की गई थी कि ये बैंक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी इशू की गई है, वो लोग यहाँ पे है ही नहीं, या उस वक्त नहीं थे जबकि ये बात है 2020 की जो है ये बात है। सो उसी वक्त उसी दिन 18 फरवरी की बात है कि हमने इमीडिएटली SSP साहब को FIR दर्ज करने के लिए लिखा कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है जिससे हमने पैसे अपने करने थे वो हमें रिकवर नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो फ्रॉडुलेंटली हमारा गलत निकला है। उसके तुरंत बाद हमने जो है उस बंदे का टर्मिनेशन, क्योंकि हो ही चुकी थी, हमने ब्लैकलिस्टिंग का भी उसको 10 दिन का नोटिस पीरियड देते हुए निकाल दिया है। और ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।